दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम आए हैं शेलर टीवीएस अरनेश्वर पुणे और रिव्यू करने वाले हैं टीवीएस की मोस्ट स्टाइलिश बाइक अपाचे आरटीआर 160 का। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले इस बाइक के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, वेरियंट्स, कलर ऑप्शंस और प्राइजेस के बारे में। अपाचे आरटीआर अवेलेबल है 3 वेरियंट्स में। फर्स्ट वेरियंट है आरटीआर 160 आरएम ड्रम एडिशन। ड्रम एडिशन की एक्स शोरूम प्राइस है 1.19 लाख रुपीज। सेकेंड वेरियंट है अपाचे आरटीआर 160 आरएम डिस्क एडिशन। टीवीएस रेसिंग की बैजिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं। डिस्क एडिशन की एक्स शोरूम प्राइस है 1.23 लाख रुपीज। और टॉप वेरिएंट है जो कि हम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वो है अपाचे आरटीआर 160 आरएम डिस्क ब्लूटूथ एडिशन। इस टॉप एडिशन की एक्स शोरूम प्राइस है 1.26 लाख रुपीज। इसके साथ ही ये बाइक बहुत ही बढ़िया 5 कलर्स में अवेलेबल है। स्क्रीन के ऊपर हम इसका ग्लॉसी ब्लैक कलर देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस बाइक के फ्रंट लुक्स और लाइटनिंग के बारे में। फ्रंट लुक्स काफी स्टाइलिश लगते हैं। टीवीएस रेसिंग की बैजिंग आपको फ्रंट में मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया हेडलाइट्स, एलईडी हेडलाइट्स के साथ ये बाइक आते हैं। इसके साथ ही ब्रेक लाइट, टेल लाइट आपको एलईडी मिलते हैं। टर्न सिग्नल भी आपको एलईडी मिलते हैं। पास लाइट इसमें आपको मिलते हैं। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के साथ ये बाइक आते हैं। राइडिंग मोड्स आपको इस बाइक में मिलते हैं। इसके साथ ही आपको जीपीएस नेविगेशन सिस्टम मिलती है। फ्यूल टैंक की डिजाइन बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। 160 की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। इंस्ट्रूमेंट कंसोल डिजिटल मिलता है। कीज की डिजाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं। कीज की डिजाइन बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगती है। मैनुअल कीज आपको इस बाइक में मिलती है। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर डिजिटल मिलता है। इसके साथ ही फ्यूल गेज, डिजिटल फ्यूल गेज मिलती है। हजार्ड वार्निंग इंडिकेटर भी आपको इस बाइक में मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है। एवरेज स्पीड इंडिकेटर के साथ ये बाइक आती है। इसके साथ ही आपको कॉल, एसएमएस अलर्ट्स मिलते हैं। इस वीडियो के एंड में हम इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड भी सुनने वाले हैं। टैंक के ऊपर आपको बहुत ही बढ़िया टीवीएस का लोगो मिलता है। यहाँ पर आपको अपाचे की बैजिंग मिलती है। इसकी सीटिंग काफी कंफर्टेबल है, दो लोग इसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं। आरटीआर 160 फोर ऑल की बैजिंग हम यहाँ पर रियर में देख रहे हैं। अपाचे की बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिक बैजिंग आपको यहाँ पर मिलती है। आपको इस बाइक में 159.7 cc का इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ 15.82 bhp और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 13.85 Nm। इस बाइक की ARAI सर्टिफाइड माइलेज है 61 km/l की। इसकी राइडिंग रेंज है 540 km, टॉप स्पीड है 107 km/h का। इसमें आपको स्पोर्ट्स, अर्बन और रेन राइडिंग मोड मिलते हैं, यानी 3 राइडिंग मोड आपको इसमें मिलते हैं। ट्रांसमिशन के लिए चेन ड्राइव मिलती है। गियर शिफ्टिंग पैटर्न 1 down 4 up का है। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर मिलता है। यहाँ पर हम इसका एग्जॉस्ट देख रहे हैं। बोर डायमीटर है 62 mm, स्ट्रोक डायमीटर है 52.9 mm का। आपको इसमें 2 वॉल्व मिलते हैं। कंप्रेशन रेशियो 10:1 का है। CDI इग्निशन के साथ ये बाइक आती है। इसमें आपको कूलिंग सिस्टम एयर कूलिंग के साथ मिलती है। वेट प्लेट, मल्टीप्लच आपको इसमें मिलते हैं। इसके साथ ही फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 12 liters की है। यहाँ पर हम इसके टेल लाइट्स की डिजाइन देख रहे हैं। टर्न इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर। इसकी स्टाइलिंग बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही क्लासी लुक के साथ ये बाइक आती है। इस बाइक की रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी 2.5 liters की है। इमिशन स्टैंडर्ड BS6 के अनुसार है। यहाँ पर हम इसकी चेन ड्राइव देख रहे हैं। गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म, अपाचे की बैजिंग, बहुत ही बढ़िया और कंफर्टेबल सिटिंग आपको इस बाइक में मिलती है। वीडियो के एंड में हम इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड भी सुनने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं ब्रेक, व्हील और सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक विद हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन। रियर में मिलता है मोनोट्यूब इनवर्टेड गैस फील्ड शॉक विद स्प्रिंग गेट सस्पेंशन। सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये बाइक आती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलता है। फ्रंट डिस्क ब्रेक की साइज है 270 mm की और रियर डिस्क ब्रेक की साइज है 200 mm की। ड्यूअल पिस्टन कैलिबर के साथ ये बाइक आती है। आपको इस बाइक में बहुत ही बढ़िया 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट टायर की साइज है 90x90 17 की। रियर टायर की साइज है 110x80 17 की। इस बाइक में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। यहाँ पर हम इस बाइक का फ्रंट लुक देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। डे टाइम रनिंग लाइट्स, हेडलाइट्स, LED मिलती है। TVS का बहुत ही बढ़िया लोगो आपको हेडलाइट के ऊपर मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं इस बाइक के डायमेंशंस और चेसिस के बारे में। इसका कूल वेट है 138 kg, सीट हाइट है 790 mm, ग्राउंड क्लियरेंस आपको 180 mm मिलता है जो कि इस सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इस बाइक की ओवरऑल लेंथ है 2.085 meters, ओवरऑल विड्थ है 730 mm की, ओवरऑल हाइट है 1.105 meters की। इसका व्हील बेस है 1.3 meters। आपको इस बाइक में डबल क्रैडल सिंक्रो स्टिप चेसिस मिलती है। ये बाइक बहुत सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है। यहाँ पर हम इसकी पूरी साइड प्रोफाइल देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। TVS का लोगो बहुत ही बढ़िया लगता है। अपाचे की बैजिंग, नीचे TVS रेसिंग की बैजिंग मिलती है। अपाचे आरटीआर 160 में आपको मिलती है 5 years की 60,000 km की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। ये बाइक राइडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कंफर्टेबल राइडिंग है। आपको इसमें स्मूथ और पोटेंट इंजन मिलता है। बहुत सारे फीचर्स के साथ ये बाइक लोडेड आती है।
हेडलाइट और डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको एलईडी मिलती है, इसके साथ ही टेल लाइट्स भी एलईडी मिलती है। अपाचे की बैजिंग बहुत ही बढ़िया लगती है, इस बाइक की डिजाइन काफी स्टाइलिश है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये बाइक आती है, इसके साथ ही आपको जीपीएस नेविगेशन सिस्टम भी इस बाइक में मिलती है। यहाँ पर हम इसका पूरा फ्रंट लुक देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगता है। दोस्तों अब हम इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड सुनने वाले हैं, चलिए तो चलते हैं हम इस बाइक के एग्जॉस्ट की ओर। लाइक टू थैंक्स मिस्टर जयंत देवकर सर, मैनेजर ऑफ सेलर टीवीएस अरुणेश्वर पुणे, ऑल द स्टाफ ऑफ सेलर टीवीएस एंड सेलर ग्रुप। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेलर टीवीएस अरुणेश्वर पुणे का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया हुआ है। आपके पसंद की बाइक या स्कूटी खरीदने के लिए जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।